फादरगंज टीचरगंज उपस्थित मेरे छोटे बच्चों, इस खेल महोत्सव में फादर जॉन डी मेमोरियल प्रोग्राम के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और जो भी इस गेम में पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप, और उन सभी के लिए एक बार जो विनर हुए हैं और रनर हुए हैं उन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नाबाद, लेकिन वो आप चरितार्थ नहीं होता है। आपके जोश और सरकार के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी मिलती है अब हो गया है, जो खेलेगा कूदेगा होगा नाबाद, जो पढ़ेगा लिखेगा वो भी होगा नाबाद। इसलिए खेल कूद करना है और खेल को एक जीवन का अभिनंग है, और जीवन में खेल को आपका सर्वांगीण विकास करता है। जीतने पर आप निराश नहीं होते, हराश नहीं होते, खुशी होती है, हारने पे निराश नहीं होते हैं, अनुशासन में रहते हैं, आपके सीनियर का बात सुनते हैं, आपके फादरगण का बात सुनते हैं, और जीतने में भी वही खुशी होती है। ये जीवन का एक अंग है, हार जीत होती है, कोई जीत के आगे बढ़ता है, कोई हार के भी आगे बढ़ता है। इसलिए जो जीते हैं वो भी खुशी मनाए, और जो नहीं जीत पाए अगली बार के लिए वो तैयारी करे और वो गोल्ड मेडल पाए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि आप खेलते कूदते रहिए ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ मन और दिमाग सभी वास करते हैं। और एजुकेशन एक ऐसा है जिस समय आप यहाँ है वो सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें एक अभिन्न अंग है खेलकूद प्रतियोगिता। आप दिन भर पढ़ाई करते हैं लेकिन जब खेलते कूदते हैं आपकी सारी टेंशन सारी चिंताएं आप दुनिया को भूल जाते हैं और खेल में रम जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में बाद में काम लेती है। आप खुद नसीब है इस ऐतिहासिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। यहाँ के हजारों स्टूडेंट दुनिया के कोने कोने में अपना स्कूल का परचम लगाते हैं। मेरे साथ में जो नसीबगंज कॉलेज रांची में पढ़े हैं वो भी अभी यही स्कूल से पढ़े थे और एक अच्छा जॉब करते हैं। आप चाहे कहीं चले जाइए, सुखुंगुटो स्कूल का एक अलग जलवा है, मतलब लोग पहचानते हैं कि हाँ सुखुंगुटो संजीवन स्कूल का स्टूडेंट है। आपका कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, इसलिए आप अपने को एक सौभाग्यशाली समझिए। आप जिस स्कूल में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहां के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, जो आपको तराशते हैं, और जो आपका समय है ये दोबारा नहीं आने वाला है। ये सुना समय है, इसको आप खूब एंजॉय करिए, लेकिन आपके जीवन बनाने का एक चरित्र निर्माण करने का एक अभिन्न अंग स्कूल है। इसलिए जो ये टाइम है मैं भी इसी तरह का छोटे से स्कूल में छोटे से गांव से पढ़ाई किया हूँ, इसलिए मैं बखूबी जानता हूँ कि कितनी समस्याएं आती हैं। हमारे माता पिता बहुत संपन्न नहीं रहते, उस परिवेश के लोग हम लोग हैं। इस तरह का स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करते हैं और नाम रोशन करते हैं, इसलिए आप खूब मेहनत करिए। ये दोबारा समय नहीं मिलेगा, और ये समय है जिसको आप अगर गवा देते हैं तो इस जीवन भर बताइएगा।
ये समय है आपके शरीर को कष्ट देने का। अगर कष्ट अभी नहीं दीजिएगा, आप नहीं पढ़िएगा, नहीं मन लगा के खेलिएगा, तो ये जीवन भर आप पछताइएगा। जीवन में अभी आप सेवन क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं, मैट्रिक पढ़ेंगे, इंटर करेंगे, ये जो समय है दोबारा नहीं आने वाला। उसके बाद यहाँ से अगर जाते हैं, अच्छे नहीं पढ़ाई करके जाते हैं, उसके बाद आप पछताप होगा कि काम मैं उस टाइम अच्छा से पढ़ाई किया रहता तो मैं आज अच्छे जगहों में होता, मेरे पास नौकरी रहती, अच्छे घर रहते, अच्छे पैसे रहते। ये सारी चीजें बाद में आपको एहसास होगी। हमारा स्कूल मेरे गांव से करीब एक घंटा दूरी पे था। हम लोग पैदल जाते थे, करीब तीन नदियां रहती थी वहां पे, बरसात में नदी पार करके बाढ़ पार करके जाते थे स्कूल, खूब मजा आता था। नदी में बाढ़ आएगा नहाते थे उसमें, उसके बाद स्कूल जाते थे हम लोग, उसके बाद स्कूल जाके आते थे शाम में, उसके बाद खेलने जाते थे। मतलब जीवन ये टाइम संघर्ष का जीवन है, इस टाइम आपको भटकना नहीं है। भटकाव जिस एज में होता है उसको दरकिनार करना है, आपको एक लक्ष्य रखना है ताकि आप बड़े होके एक अच्छे ओहदे में रहें, आपका नाम रोशन होगा कि मैं सेंट सेवियर्स लोकोमोटिव स्कूल का स्टूडेंट हूँ। लोग बोलेंगे आपको कि हाँ मेरा स्कूल सेंट सेवियर्स लोकोमोटिव स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। कोई आपके मित्र बोलेंगे कि अरे ये तो मेरा ही स्कूल का पढ़ा हुआ है। अभी आपको क्या पहचान है, अभी आपको अपने माता पिता के नाम से जानते हैं कि हाँ फलाना का बेटा है, फलाना की बेटी है, अभी यही पहचान है आपकी। इसीलिए आप अपना खुद पहचान बनाने के लिए, हमारे पास विपरीत समय रहता है, गरीबी रहती है, हम खेती करने जाते हैं सुबह, उसके बाद फल चलाने जाते हैं, उसके बाद कोई लोग स्कूल भी आते होंगे, वो हम लोग भी किए। सुबह मेरा काम रहता था बैल चलाना और फल जोतने के लिए, वहां सुबह 7 बजे तक हम लोग हल चलाते थे, या तो बैल चलाते थे या कुछ काम करने जाते थे। अभी रोपा और रोपा खेती का समय है, हम लोग जो बीड़ा लगाया जाता है वो बीड़ा उखाड़ने जाते थे जब छुट्टी टाइम, उसमें हम लोग को 10 रुपया मिलता था। ये परिस्थिति आप भी काम करते हैं, आपके माता पिता भी काम करते हैं। उसके बाद लकड़ी लाने जाते थे गर्मी का छुट्टी में, जब गर्मी टाइम में हमारा स्कूल मॉर्निंग होता है, आप लोग का भी होता होगा, उसके बाद गर्मी मॉर्निंग स्कूल आके लकड़ी जाने जाते थे हम लोग, कन्ना में ढो के या तो बाहर में दोनों तरफ करके लकड़ी लाने जाते थे। मेरी माँ खेती करती थी, पिताजी खेती करते थे, जो भी हम लोग खेती करते थे गर्मी में तो उसको माँ बेचने जाती थी महुआ डाड़ में। मतलब मिर्ची लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, भिंडी लगाएंगे, उसके बाद बड़ी मेहनत से हम लोग बाजार जाते थे बेचने के लिए, उसके बाद जो पैसे आता था उसमें हम लोग पढ़ाई करते थे। ये आप भी अमूमन यही कैटेगरी के करीब करीब जिस स्कूल में रहते हैं वो सभी के माता पिता करीब करीब यही करते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा एकदम नहीं सोचना है, सब चीज होगा, बस मन में इच्छा शक्ति रखना है कि मैं आगे बढ़ के एक पहचान बनाऊंगा। कल को बोला जाएगा फलाना का मम्मी है, फलाने गांव का है, कि ये फलाना लड़का है, मतलब आपके नाम से पहचान मिलेगा दूसरों को। आपकी टीचर से आज गर्व होगा कि हाँ मेरा स्टूडेंट आज एक बीएससी बन गया है, पीडीओ बन गया है, सीओ बन गया, आईएएस बन गया, डीसी बन गया है, आज कुछ गर्व होगा कि हाँ मेरा स्टूडेंट, मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट कि आज एक बड़े ओहदे में है। आपका नाम होगा, आपको शोहरत मिलेगा, आपको धन मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेगी। और ये समय है आपको एक संघर्ष और मेहनत करने का, और जो भी मुकाम पे पहुंचते हैं
उसका एक संघर्ष की कहानी है। कोई रातों रात स्टार नहीं बनता है, उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़ता है तब जाके स्टार बनता है या तो कोई गोल्ड मेडल लेता है। 100 मीटर कितना सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, इतना ही क्या होता है? आप ओलंपिक में जाइए या तो कोई भी 100 मीटर में जाइए, 9 सेकेंड, उसेन बोल्ट का करीब 9 सेकेंड, 8 सेकेंड कुछ है, इतने ही सेकेंड के लिए वो लोग सालों साल तैयारी करता है। उसके पास जब इवेंट होता है तो 9 सेकेंड, बस 9 सेकेंड के लिए वो लोग वर्षों इतना घंटा मेहनत करता है तब जाके एक गोल्ड मेडल मिलता है। इसलिए आप सभी स्कूल में है तो आपके टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में जिस विषय में आप पढ़ाई करते हैं उसमें अभी पारंगत हुई, जिस विषय में आप पारंगत होंगे बाद में पढ़ाई करिएगा तो वही आपके लिए काम देगा। चाहे आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप 7वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आप अभी एक्सपर्ट बनिए, उसको बार बार पढ़िए। चीजों को कंसल्ट नहीं करना है, चीजों को टेक्स्ट बुक को जो भी सब्जेक्ट है उसको समझने की प्रयास करें। याद करते हैं हम भूल जाते हैं, मतलब किस्मत का खेल बहुत कम होता है, किस्मत दोषी का साथ देता है जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है। इसलिए आप सभी मेरे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि आप जैसे ही लोग आगे चल के मेहनत करके एक मुकाम पाते हैं कितना गर्व लगता है। मेरी माँ एक आंगनबाड़ी टीचर थी, हम लोग सूजी खाते थे, घर में खाने के लिए नहीं रहता था, सूजी मिलता था तो कभी खाते थे हम लोग, फिर स्कूल चले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे तो हर संडे हम लोग फुटबॉल खेलते थे, बहुत खस्सी जीते हैं हम लोग। अभी भी याद करता है गांव वाला कि आप लोग के टाइम में था तो खस्सी बहुत जीता हुआ, हॉकी खेलते थे हम लोग, उसमें भी बहुत खस्सी जीते हम लोग। आप लोग की तरह जितना मेहनत करते हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं, तो आप लोग खूब खेले। पहले था कि अवसर बहुत कम था स्पोर्ट्स में, अब स्पोर्ट्स में काफी अवसर है, आप अच्छा खेलने से आपको जॉब होगी। और चाईबासा क्षेत्र से हजारों लोग स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी करते हैं, तो आपका एक प्रोफेशन भी हो जाता है, आपको जॉब भी मिल जाती है, उसके लिए भी आप बेहतर खेले, बेहतर प्रैक्टिस करें। और जीवन को अगर हम 3 भाग में बांट सकते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ अगर आप खत्म कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद एक नौकरी के लिए आप मार्केट में आते हैं, मार्केट में नौकरी के लिए जब आते हैं तो देखते हैं कि क्या स्थिति है, पहले से बेरोजगार लोग खड़े पड़े हैं, उसके बाद आपकी नंबर बाद में आती है, तो उनसे आगे कंप्लीट करने के लिए आपको ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, स्किल रहना चाहिए आपके पास। तो आपके टीचर्सगण, आपके फादरगण जो यहां सिखाते हैं उसको बहुत मन लगा के सीखना है, वो स्कूल का जो पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, खेल को वही आपके जीवन को संवारेगा, आप अच्छे जीवन जी सकेंगे। बीए करने के बाद मार्केट में आएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि अरे काज मैं मैट्रिक में अच्छा पढ़ाई करता, इंटर में अच्छा पढ़ाई करता, लेकिन वो समय चला गया, आप पछताते रह जाइएगा। अगर अभी इस समय को अच्छा यूज करिएगा, आप अपने जीवन को, अपने शरीर को कष्ट दीजिएगा, जीना जितना दराजिएगा तो एक बढ़िया बनता है, लोहा को जितना गलाइएगा, सोना को जितना गलाइएगा तो एक अच्छा लुक बनता है। तो आपका एक अपने आप को एक वैल्यू बनाना है, आप एक मूल्यवान है, सभी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, तो आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब एक मेहनत करके आप सफलता प्राप्त करेंगे, नहीं तो बाद में कोई नहीं पूछेगा। बड़े हो जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी आपकी, उसके बाद अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास नौकरी भी नहीं रहेगी, शादी करिएगा उसके बाद आपके बाल बच्चे होंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपके बच्चे कोई अच्छे मेडिकल में नहीं करा पाएंगे,
अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो फिर आप खुद बताइएगा कि काश मैं जब मेरा टाइम था उस टाइम पढ़ना चाहिए था। समय सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूं, आप हैं, चाहे फादर, 24 घंटा सभी को मिलता है। वही 24 घंटा में सारा चीज करना है, खाना भी खाना है, पढ़ाई भी करना है, खेलना भी है, वही 24 घंटा है आपके पास। तो 24 घंटा साल में 365 दिन ये चीजें सभी के लिए बराबर। तो आप अभी जो भी है, अभी आपके जो भी क्लास में है, आप खूब पढ़िए और मेहनत करना, और मेहनत ही एक विकल्प है, अन्यथा अच्छा सक्सेस होने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप सभी मेरे बच्चों से मेरा निवेदन है कि जब हम लोग गांव के परिवेश लोग अच्छा कर सकते हैं हम लोग, तो भी आप क्यों नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। बस मन में इच्छा रखना है, एक चीज रखना है कि मैं ये बनूंगा। एक आकर्षण का नियम है, आकर्षण का नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है, आकर्षण का नियम, और चीज हमारे दिमाग में भी एक आकर्षण का नियम है। जो चीज हम अपने आप को सोचेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप पूरा सोचेंगे, पूरा करने का सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीजें सोचेंगे तो आपके पास अच्छे अच्छे विचार, अच्छे लोग का एक आकर्षण होगा। आप विकल्प खोजिएगा कि मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ, मैं फोर्स में जाऊंगा तो कैसे अच्छा जाऊंगा। दिमाग में अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए सोचेंगे कि आप मैं फिजिकल करूंगा, 1500 मीटर की दौड़ दौड़ूंगा, तब जाके होगा। उसी तरह आप वीडियो सीओ या तो बनना चाहेंगे तो फिर आप जेपीएससी तैयारी करेंगे, तो अच्छी चीजों में सब्जेक्ट में पारंगत होंगे, आप कोई अच्छे टीचर से संपर्क करेंगे। और हम गांव वाले ही जो है, जो बिना ट्यूशन के मैट्रिक में चाहे इंटर में चाहे बीए में चाहे कोई भी एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, हमारे गांव में ट्यूशन है क्या? नहीं रहता है। हमारे माता पिता उतना सक्षम नहीं है कि आप हम अपनों को ट्यूशन दें। आप शहर के बच्चों को दें कि क्लासरूम और क्लास में ट्यूशन पढ़ाई होता है, उसके बावजूद फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाते। लेकिन हम लोग गांव वाले शारीरिक रूप से भी सक्षम है और बुद्धि से भी सक्षम है, बिना ट्यूशन के आप खेती करते हुए, बैट चलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए क्लास में मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाते हैं। तो बुद्धिमान धर्म है, हमारा शारीरिक क्षमता भी हमारे पास है कि हम कर सकते हैं। ये किसान का हाथ ही है कि लोहा को आकार बदल देता है। अगर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो खेती उपजाते हैं तो शहर वाले चावल खाते हैं, वो कौन करता है? हम ही लोग कृषक लोग करते हैं, गरीब सबके की लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये सारी चीज करने के बाद भी हम लोग एक पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी सबल रहते हैं। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप भी मेहनत करें, खूब मेहनत करें और जीवन को सफल बनाएं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप करके अभी एज है हमारा, हम जहां देखते हैं कि कुछ लड़के लड़कियां हैं ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते, ये जीवन हमारा स्वस्थ रखना है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप ट्रैफिक में मोटरसाइकिल बिना हेलमेट सब पहनते हैं तो एक्सीडेंट सब नहीं करना है, नशा पान से दूर रहना है। हमारा कल्चर है, हमारा पर्व त्योहार है। मेरी माँ भी खूब बढ़िया पीती थी और जब बहुत ज्यादा पीती थी, पूरे गांव वाले पीते थे। वो संस्कार हमारा कल्चर में है और यहाँ ज्यादा ट्रेडिशन में है, तो नशा पान से सभी दूर रहे ताकि आप एक मुकाम तक पहुंच सके। मेरी तरफ से हार्दिक 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 शुभकामनाएं, धन्यवाद।